तो कैसे हो मेरी यारो? आप सब लोगों को तो एक चीज पता ही होगा, हर एक गेमर का एक ड्रीम रहता है एक तगड़ा सा गेमिंग पीसी खरीदने का, क्योंकि आप मोबाइल पे जितने भी गेम खेलो लेकिन गेमिंग का मजा तो एक गेमिंग पीसी पे ही आता है। और आप लोगों के जैसा मेरा भी एक बचपन से बहुत बड़ा एक ड्रीम था एक खुद का गेमिंग पीसी खरीदने का, लेकिन सच बोलू तो मेरा पास इतना पैसा नहीं था कि एक गेमिंग पीसी आ जाए। ऊपर से मैं 3 महीना मेहनत किया, बहुत काम किया, फिर भी मेरा पास इतना पैसा नहीं आया था एक गेमिंग पीसी आ जाए। अब आप लोग बोलोगे साले तेरे पास गेमिंग पीसी आया कहां से? तो हां गाइस, मैं आज इस वीडियो के अंदर बोलूंगा मुझे गेमिंग पीसी कहां से मिला और मैं कहां से लेकर आया। गाइस मेरा इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे दुख भरा है, तो मैं आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूंगा और सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे साथ क्या बीता और मेरे पास कैसे गेमिंग पीसी आया। तो गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो गाइस चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा फैमिली पे 4 लोग, मैं, मेरा बड़ा भैया, मम्मी, पापा। और आप लोगों के जैसा मैं भी एक छोटा सा टूटा फूटा मोबाइल से गेमिंग स्टार्ट किया था। मेरा मोबाइल का रैम था 2GB और आप लोगों को तो पता ही है अभी 2GB रैम पे तो कुछ भी नहीं होता, और मैं तो उस मोबाइल से गेम खेलता था, वीडियो बनाता था और उस मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग भी करता था और यूट्यूब पे अपलोड भी करता था आप लोगों के लिए। और मेरा तो एक बचपन से ड्रीम है, मुझे गेमिंग पीसी चाहिए, मुझे गेमिंग पीसी पे गेम खेलना है, लेकिन मैं कभी भी हिम्मत करके मेरा मम्मी पापा को बोला नहीं था मुझे एक गेमिंग पीसी चाहिए। मैं इसलिए ही नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था बहुत बड़ा एक अमाउंट देना पड़ता है एक गेमिंग पीसी खरीदने के लिए, और हम लोगों के लिए एक बड़ा अमाउंट मतलब बहुत कुछ। और मुझे तो बहुत अच्छे से पता था मेरा घर पे कभी हाँ नहीं बोलेगा क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मतलब बहुत कुछ। और मैं बचपन से बहुत जिद्दी लड़का था और मेरा दोस्त लोगों को तो मैं बता भी दिया था मैं गेमिंग पीसी खरीदूंगा, तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मैं गेमिंग पीसी पे गेम खेल रहा हूं। मैं बहुत बड़ा बड़ा के बोल दिया था मेरे खुद के बारे में दोस्त लोगों के। लेकिन एक दिन एक टाइम आया, हम सारे दोस्त लोग मिलके एक जगह पे बैठे थे तो उस जगह पे बहुत ही ज्यादा गेमिंग पीसी के लिए बात चल रहा था। तो तभी मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला, इस्माइल तू तो बोल रहा था तेरा पास बहुत ही जल्दी एक गेमिंग पीसी आ जाएगा, तू गेमिंग पीसी पे गेम खेलेगा। लेकिन तब भी मैं उन लोगों को बोल रहा था हाँ मैं गेमिंग पीसी ले लूं। लेकिन तब भी मेरा कुछ दोस्त लोगों ने तो मुझे चिढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था, औकात के लिए भी बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं गुस्से में जल्दी जल्दी भाग के घर पे आया मम्मी पापा के पास, तो मैं मम्मी पापा को बोला मुझे एक गेमिंग पीसी चाहिए। तो तभी मम्मी पापा ने बोला पीसी क्या होता है? तो मैंने फिर से बोला एक कंप्यूटर चाहिए मुझे गेम खेलने के लिए। और मम्मी तभी बोला मुझे तेरा पास तो मोबाइल है, तू तो मोबाइल से गेम खेलता है और एक गेम छोड़ के पढ़ाई पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दे, पढ़ाई तो तू करता ही नहीं है, हर एक टाइम गेम ही खेलता रहता। लेकिन तब के टाइम पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बोला था, पापा एकदम चुप था और भैया भी घर पे नहीं था। और आप लोगों को तो पता ही आपका भाई कितना जिद्दी है, मैं गुस्से पे घर से बाहर आ गया और तब मैंने सोच लिया मुझे भी काम करना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे पीसी खरीदना है। उसके बाद दिन से मैंने काम स्टार्ट कर दिया, ऐसे मैं रोज काम पे जाता था और काम से घर आता था और मुझे पैसा मिलता था 250 रुपीज। तो गाइस मुझे रोज काम पे जाना पड़ता था, सुबह जाता था शाम को आता था, तो मुझे पैसा मिलता था 250 रुपीज। ऐसे मैं 3 महीना तक काम किया, बहुत अच्छे से मेहनत, और मैं सिर्फ काम करने का पैसा एक जगह पे कलेक्ट नहीं कर रहा था, मैं मम्मी पापा के पास से जो पॉकेट मनी मिलता था मैं उसको भी एक जगह पे कलेक्ट कर रहा था। तो मैंने 3 महीने के बाद देखा मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपीज ही हुआ। तो मैंने सोचा इस पे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा गेमिंग पीसी का, और मेरा घर पे मेरा मम्मी पापा बहुत टेंशन पे ही था, मैं अचानक से काम स्टार्ट कर दिया इसके लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रहा था। तो एक दिन मेरा पापा ने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मुझे बोल रहा था तू इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, इतना अचानक से काम स्टार्ट कर दिया, क्या चाहिए तुझे बोल। तब भी मैंने बोला मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, और तब भी मम्मी ने बोला अभी तक कंप्यूटर का भूत नहीं गया क्या। तब भी मुझे पापा ने पूछा तू इतने दिन तक काम किया, काम करने के बाद कितना रुपीज कलेक्ट किया बोल। तो मैंने बोला मेरा पास सिर्फ 20,000 रुपीज ही हुआ है। तो तभी पापा ने मुझे बोला ठीक है चल मैं तुझे 30,000 रुपीज देता हूँ, इस पे तो तेरा हो जाएगा ना कंप्यूटर। और तब मैं खुशी के मारे बोल दिया हाँ हाँ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो पापा ने मुझे 30,000 रुपीज दे दिया और मेरा पास 20,000 था, तो मेरा पास टोटली 50,000 रुपीज हो गया था। मैं तो बहुत खुश था, मेरा पास 50,000 रुपीज है, अब तो मेरा पास गेमिंग पीसी आ जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी कंफर्म होने के लिए यूट्यूब पे सर्च किया गेमिंग पीसी के बारे में, तो मैंने जो देखा देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा, 50,000 रुपीज में तो गेमिंग पीसी नहीं आ रहा था, पीसी तो आ रहा था लेकिन गेमिंग पीसी नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो एक तगड़ा सा गेमिंग पीसी चाहिए था क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना था गेमिंग पीसी के अंदर। एक दिन मैं घर पे मुंह लटका के बैठा था तो तभी भैया आया, भैया आने के बाद मुझे बोल रहा था तू घर पे गेमिंग पीसी के लिए बोला है क्या। तो मैंने बोला हाँ मुझे एक गेमिंग पीसी चाहिए। तो भैया ने बोला तेरा पास कितना पैसा है बोल। तो मैंने बोला मेरा पास तो 20,000 था और पापा ने 30,000 दिया, तो मेरा पास टोटली 50,000 रुपीज हो गया। तो भैया ने बोला 50,000 रुपीज पे तो गेमिंग पीसी नहीं आएगा। भैया फिर से बोला ठीक है चल उदास मत हो, चल तेरे लिए गेमिंग पीसी खरीद के लेकर आते। मैं तो बहुत खुश हो गया था, खुशी के मारे बोला हाँ ठीक है चल पीसी खरीद के लेकर आते। लेकिन तब मैं खुशी के मारे ये नहीं देखा बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं तो खुशी के मारे भैया के साथ चला गया पीसी।
खरीदने के। मैं तो बहुत ही खुश था, पीसी मिल चुका है मुझे, मैं पीसी पे बहुत अच्छे से गेम खेल रहा था। लेकिन एक दिन मैं गेम खेल रहा था, गेम खेलने का टाइम भैया आया। भैया आने के बाद मुझे बोला तेरा मोबाइल एक बार दे तो मुझे कॉल करना है। तो मैंने मोबाइल दे दिया। तो भैया के कॉल होने के बाद मैं उससे पूछा तेरा मोबाइल क्या हुआ। तो भैया ने जो बोला वो सुनने के बाद मेरा पैर से तो जमीन हट गया था, मेरा आंखों से तो पानी आ गया था। भैया ने बोला जिस दिन पीसी खरीदने के लिए गया था उस दिन ही तो मैंने मोबाइल भेज दिया। मेरा भैया के पास एक मोबाइल था पोको M2 प्रो और उस मोबाइल को भी मेरे लिए भेज दिया। तो मैंने बोला ऐसे पीसी खरीदने की क्या जरूरत था। तो भैया ने बोला नहीं, तू तो बहुत दिन से मेहनत कर रहा था कि पीसी खरीदने के लिए, इसलिए मैंने मोबाइल बेच के तुझे पीसी खरीद दिया। चल छोड़, जो हुआ है उस बात को छोड़ दे, कोई बात नहीं। तभी मैं सोच लिया मुझे कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। तो आज आप लोगों के सपोर्ट के लिए मेरा 20K सब्सक्राइबर हो गया। गाइस थैंक यू मेरा 20K सब्सक्राइबर के लिए। और गाइस मैं आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी एक यूट्यूबर था, मेरा भाई का भी एक चैनल। ना मेरा भैया के पास अभी मोबाइल है, ना मेरा भैया के चैनल पर अभी वीडियो अपलोड होता है। तो गाइस मैं आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा भैया को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। फर्स्ट कमेंट पे मेरा भैया के चैनल का लिंक है, तो गाइस प्लीज जाकर सब लोग सब्सक्राइब कर। गाइस आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज आप लोग मेरा भैया के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो अपलोड भी नहीं हुआ। प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो गाइस यही था वीडियो, वीडियो देख के कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।